एनालॉजी देख लेते हैं रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन में। तो ये तीन कॉलम्स है स्क्रीन पे, एक फिजिकल क्वांटिटी, एक ट्रांसलेशनल मोशन और एक रोटेशनल मोशन के लिए। तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी होता है, उसका इक्विवेलेंट रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी। मतलब अगर आपको लीनियर मोशन में कोई फॉर्मूला पता है या ट्रांसलेशनल मोशन में कोई फॉर्मूला पता है और आपको एंगुलर में चाहिए, तो आप वी के जगह पे ओमेगा लिख देना, लीनियर एक्सेलरेशन ए के जगह पे अल्फा लिख देना और एस के जगह पे थीटा लिख देना। और वी और आर के बीच में, वी और ओमेगा के बीच में रिलेशन है, वी बार इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, आप याद रखना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अल्फा क्रॉस आर और एस बार इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर। ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा है, बट वेक्टर फॉर्म में एस बार इज इक्वल टू थीटा बार क्रॉस आर। अब आगे देखते हैं। और सी, मास का इक्विवेलेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम, पी बार का एंगुलर मोमेंटम। आपको नोटेशंस भी अच्छी तरह से याद होने चाहिए। और फोर्स का एंगुलर इक्विवेलेंट है टॉर्क। अब फॉर्मूलाज देख लेते हैं। देखो फोर्स का फॉर्मूला एम ए या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली टॉर्क का फॉर्मूला होगा एम के जगह पे हम लिखेंगे आई। मतलब आपने अगर लीनियर क्वांटिटीज की फॉर्मूला बाय हार्ट कर ली है तो एंगुलर वाली आपको अपने आप याद हो जाएगी, राइट। सो आप बस एम के जगह पे आई लिख देना, ए के जगह पे अल्फा, पी के जगह पे एल और आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। लीनियर मोमेंटम पी इक्वल टू एम वी, एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आई ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी आपको दो फॉर्मेट में याद रखना है, हाफ एम वी स्क्वायर और पी स्क्वायर बाय 2m। सिमिलरली रोटेशनल मोशन का भी आप m के जगह पे i कर लेना, v के जगह पे ओमेगा और p के जगह पे l। तो इस तरह से आप याद रखोगे तो आपको काफ़ी ईजी होगी फॉर्मूला याद रखने में, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सी, काइनामेटिकल इक्वेशंस इन लीनियर मोशन एंड काइनामेटिकल इक्वेशंस इन एंगुलर मोशन। सबसे पहले आप एकदम दिमाग में डाल लेना कि काइनामेटिकल इक्वेशंस कैन बी यूज्ड ओनली इफ़ एंगुलर एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है तो आप यूज़ भी नहीं कर सकते, आपको यूज़ करना भी नहीं चाहिए, राइट। मतलब ये कंडीशन है यूज़ करने के लिए फॉर्मूला कि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो देखते हैं कौन से फॉर्मूलाज हैं। हम तो पढ़ चुके ऑलरेडी, ये पाँच फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए लीनियर मोशन में। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, एस इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। और ये जो पांचवा फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। जैसे कि अगर आपको बोला डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड, तो आप n के जगह पे 5 लिख लेना। अब यही फॉर्मूला एंगुलर मोशन में आप क्या करोगे, बस बहुत ईजी है, आप v के जगह पे ओमेगा लिख देना, इनिशियल वेलोसिटी u के जगह पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट लिख लेना, टाइम तो टाइम ही होगा a के जगह पे अल्फा, एस के जगह पे थीटा। तो आपको सारे आपके आंसर्स मिल जाएंगे, राइट। तो ये आप आराम से पॉज करके देख लेना फॉर्मूलाज। अब आगे बढ़ते हैं। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन, और थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट रेडियन होता है। एन इज नंबर ऑफ रोटेशन इन रोटेशनल मोशन एंड एन इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन सर्क्यूलर मोशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको नंबर ऑफ रोटेशन या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिए हुए हो तो हम लोग इजिली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं, ओमेगा का फॉर्मूला। एंगुलर वेलोसिटी कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय कैपिटल टी। यहाँ पे याद रखना है कि टी टाइम पीरियड है और 1 बाय टी को एफ भी लिख सकते हैं, तो एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। ये दोनों फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, राइट। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, लेट अस सी द नेक्स्ट फॉर्मूला। अब यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन में याद रखना आप कि ओमेगा कॉन्स्टेंट होता है, राइट। और ओमेगा कॉन्स्टेंट होगा तो अल्फा जीरो होगा। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी दे चुका हूं कि अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डीटी। आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। अगर सर्क्यूलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गारंटीड है और उसका फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय आर या वी ओमेगा। आपको फॉर्मूला तीनों फॉर्मेट में याद रखना है। और ये ऐसा इसलिए आता है क्योंकि वी आर और ओमेगा के बीच में कनेक्शन है और हम सब जानते हैं कि द फॉर्मूला इज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, राइट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नथिंग बट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट विल बी इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूला है, तो बस आप इन तीनों फॉर्मूला को सिर्फ मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। दैट इज, अगर इन तीनों फॉर्मूला को हमने मास से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएंगे एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी ओमेगा और एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट,
अगर नॉन यूसीएम है तो आपको याद रखना है कि दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल तो कंफर्म्ड है, राइट। सो इन केस ऑफ नॉन यूसीएम देर आर टू एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल होगा और एक सेंट्रीपिटल होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट को हम बोलेंगे ए नेट। ए नेट तो ए नेट का फॉर्मूला होगा, ए नेट इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्रीज एंगल बना रहे हैं, एक अलॉन्ग द टेंजेंट है। अब ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसके वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट आएगा रूट ऑफ 80² प्लस एसी स्क्वायर। और 80 का फॉर्मूला देखो, ये 80 का फॉर्मूला है आर अल्फा, राइट। और एसी का तो फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब एफ नेट विल बी इक्वल टू, तो आप ए नेट निकाल लो एंड एफ नेट विल बी इक्वल टू एम इंटू ए नेट, राइट। तो ये नॉन यूसीएम का स्टोरी है, नॉन यूसीएम में ऐसा होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज आप देख सकते हो ये कर्व्ड रोड भले है, लेकिन ये कर्व्ड रोड होने के बावजूद भी ये हॉरिजॉन्टल है। सो द मैक्सिमम स्पीड विद विच अ व्हीकल कैन मूव ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड विदाउट स्किडिंग इज गिवन बाय द फॉर्मूला वी मैक्स। ये मैक्सिमम स्पीड है, याद रखना, वी मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस आर जी। म्यू एस को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और आर इज रेडियस ऑफ द रोड। तो ये था मैक्सिमम स्पीड ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। अगर ये रोड बैंक्ड होगा तो कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, बैंक्ड मतलब ऐसे। तो मैं थोड़ा और डायग्राम बना देता हूँ। देखो ये जो है लाइन, ये विड्थ ऑफ द रोड है W, ये विड्थ ऑफ द रोड है। ये H मतलब इंक्लिनेशन ऑफ द रोड, आउटर एज ऑफ द रोड विद द हॉरिजॉन्टल, और थीटा मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग। तो अगर रोड कुछ इस तरह का है, बैंक किया हुआ है, तो द मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला ये है, मैक्सिमम स्पीड ऑन अ बैंक रोड इज वी मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी इन द ब्रैकेट म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला के लिए आप क्या करना, खाली म्यू एस के जगह पे माइनस म्यू एस डाल देना, तो आपको मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला मिल जाएगा। मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला है टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टेन थीटा। और ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड मतलब द बेस्ट पॉसिबल स्पीड, जहां पे आपके व्हील्स के ऊपर कोई भी लैटरल फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कि आपके व्हील्स के ऊपर कोई भी साइडवर्ड फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा, वो फॉर्मूला है रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। और लास्ट अगर आप इनका कनेक्शन देखो एच और डब्ल्यू का, तो बाय ट्रिग्नोमेट्री आई कैन राइट, इधर देखो मैंने व्हाइट कलर में लिखा है, द एलिवेशन ऑफ द आउटर ट्रैक विथ रिस्पेक्ट टू द इनर ट्रैक एच इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा, वेयर डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ द रोड, राइट। और एक बात याद रखना, अगर थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब 5 डिग्रीज तक है, तो टेन थीटा और साइन थीटा सेम होते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट, नाउ लेट अस मूव टू कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम में आपको तीन फॉर्मूला याद रखना है, एक तो टेंशन इन द स्ट्रिंग का फॉर्मूला, टाइम पीरियड इसका, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, और वेलोसिटी ऑफ द बॉब। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, टाइम पीरियड इज 2π रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी, और वेलोसिटी ऑफ द बॉब इज रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, और लास्ट फॉर्मूला है टाइम टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा। तो ये टी डैश मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये टेंशन है, और ये वाला जो टी आप देख रहे हो ये टाइम पीरियड है, करेक्ट। नाउ आफ्टर दिस विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज वेल ऑफ डेथ। तो वेल ऑफ डेथ में, द वेल ऑफ डेथ में द स्पीड इज गिवन बाय द फॉर्मूला द मिनिमम स्पीड, मतलब इससे कम स्पीड होगा तो ये बॉडी नीचे गिर जाएगी, राइट। तो द मिनिमम स्पीड इज गिवन बाय द फॉर्मूला वी मिन इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। ये आपके बुक में इसका डेरिवेशन भी है, आपके गवर्नमेंट बुक में, तो आप देख सकते हैं, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज द वर्टिकल सर्क्यूलर, सॉरी द स्पीयर ऑफ डेथ। स्पीयर ऑफ डेथ में क्या होता है कि यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजिशन पे गिरने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। स्पीयर ऑफ डेथ मतलब ऐसे घूमता है बॉडी वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन में, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे गिरने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो द मैक्सिमम स्पीड, देखो अगर आप फास्ट गाड़ी चलाओगे तो आप कभी नीचे नहीं गिरोगे, राइट। बट यहाँ पे एक मिनिमम स्पीड है, उससे कम स्पीड में अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आप ऊपर से सीधा नीचे गिर जाओगे। सो दैट मिनिमम स्पीड इज गिवन बाय द फॉर्मूला रूट ऑफ आर जी। सो द मिनिमम स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द स्पीयर टू परफॉर्म वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन इज वी इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी। और ये जो डायग्राम है इसको स्पीयर ऑफ डेथ भी बोलते हैं, ऐसा हमारे गवर्नमेंट बुक में लिखा हुआ है। द नेक्स्ट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अ कॉन्वेक्स ब्रिज। ये एक ब्रिज है और हम जानते हैं कि एक स्पीड से ज्यादा स्पीड में अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हमारा कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। सो द मैक्सिमम स्पीड विदाउट लूजिंग कॉन्टैक्ट
एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज गिवन बाय द फॉर्मुला वी मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी। ये भी आपको डायरेक्ट फॉर्मुला याद रखना पड़ेगा, राइट। अब वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन की तरफ पढ़ते हैं। वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन में सबसे पहला फॉर्मूला है द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन एनी पोजिशन थीटा। याद रखना थीटा हमेशा वर्टिकल से मेजर होगा और लोएस्ट पोजिशन से मेजर होगा। लोएस्ट पोजिशन मतलब ये एल से, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये एंगल हमेशा एल से मेजर होगा, एल से, राइट। तो द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन एनी पोजिशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट फॉर वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन टू टेक प्लेस। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, द मिनिमम वेलोसिटीज एट लोएस्ट, मिड पॉइंट एंड हाईएस्ट पोजिशन फॉर वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन इज, लोएस्ट पे रूट ऑफ 5 RG होना चाहिए, ये रूट ऑफ 3 RG और हाईएस्ट पे रूट ऑफ RG। आप याद रखना ये फॉर्मूला सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब उन्होंने बोला है कि दिस इज द लोएस्ट वेलोसिटी एट द एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट फॉर सर्क्यूलर मोशन टू टेक प्लेस। मतलब अगर आपकी वेलोसिटी समझो लोएस्ट पॉइंट पे रूट ऑफ 5 RG से ज्यादा है तो बहुत खुशी की बात है, तो आपका सर्क्यूलर मोशन तो पक्का अच्छे से होगा, राइट। लेकिन अगर इससे कम है तो सर्क्यूलर मोशन, वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन कंप्लीट नहीं हो सकता, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये, राइट। नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ टेंशन इन द वेरियस पोजिशंस इज गिवन एज, इन दोनों पोजिशन लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में 6 mg, ये बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है, मतलब ये प्रूफ किया गया है कि टीएल माइनस टीएच इज इक्वल टू 6 mg। लेकिन आपको ये दोनों भी याद रखना है कि ये लोएस्ट और मिड पॉइंट के बीच में 3 mg होगा और मिड पॉइंट और हाईएस्ट के बीच में भी 3 mg होगा, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जब बहुत सारे पार्टिकल्स हो जिनके मासेस m1 m2 m3 इस तरह से दिए हुए हो, तो हाउ डू वी कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। इसमें याद रखना चाहिए कि r1 r2 r3 दे आर नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है किसके लिए, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात हो रही है। बट इफ इंस्टेड ऑफ पार्टिकल इट इज अ बॉडी, ओके, अगर हम एक रिजिड बॉडी की बात करें तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मास सिस्टम की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। मतलब अगर एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा मास कंसिडर कर लेते हैं, पहले उस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं और फिर पूरे बॉडी का कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, और उस हिसाब से हम लिमिट्स ले लेते हैं। द लिमिट्स आर टेकन इन सच अ वे दैट सो एज टू एनक्लोज द एंटायर बॉडी, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि अगर रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सीधा फॉर्मूला है I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, चाहे वो कोई भी शेप की बॉडी हो, चाहे कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो। अगर K इज द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सम एक्सिस तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस इज I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है रेडियस ऑफ गायरेशन का, राइट। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग और हॉलो सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस, ये परपेंडिकुलर एक्सिस टू द प्लेन, राइट। अब हम जानते हैं रिंग और हॉलो सिलेंडर का सेम क्यों आता है, आंसर मैं बताता हूँ आपको। बिकॉज अगर आप इस हॉलो सिलेंडर को चॉपिंग करो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम उसके छोटे छोटे पीसेस करें इस तरह से परपेंडिकुलर एक्सिस को कट करके, तो रिंग ही तो मिलेगा हमको, इसलिए हॉलो सिलेंडर और रिंग का फॉर्मूला सेम आता है। इसका भी फॉर्मूला mr² है और उसका भी फॉर्मूला mr² है, राइट। तो ये फॉर्मूला है दोनों का। हाँ, ऑफकोर्स mr² रिंग में m मतलब मास ऑफ द रिंग और r मतलब रेडियस ऑफ द रिंग, और सिलेंडर में m मतलब मास ऑफ द सिलेंडर और r मतलब रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो ये आपको याद रखना है, राइट। और रिंग के बाद अब डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मैंने लिखा है कि नोटेशंस के क्या मतलब होते हैं, आप आराम से वीडियो स्लो करके पढ़ लेना। ये डिस्क या सॉलिड सिलेंडर का सिचुएशन है। डिस्क या सॉलिड सिलेंडर में भी आंसर दोनों का सेम आएगा, क्योंकि अगर आप एक डिस्क का चॉपिंग करेंगे तो आपको मिलेगा, सॉरी, अगर आप एक सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का चॉपिंग करेंगे तो आपको डिस्क ही मिलेगा अल्टीमेटली, राइट। तो दोनों का फॉर्मूला है mr² / 2, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि रॉड का क्या होता है। रॉड का आपको दोनों एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला याद रखना चाहिए, दैट इज अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ml² / 12 एंड अबाउट एंड इट इज ml² / 3। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, राइट। फिर उसके बाद में आपको और कौन से बॉडीज़ की याद रखना चाहिए, आपको स्फीयर की याद रखनी चाहिए, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर दोनों की। अब इसमें या तो आप इस एक्सिस को अबाउट डायमीटर बोल लो या अबाउट सेंटर, जो भी एक्सिस सेंटर से पास होगा वो डायमीटर ही तो होगा, राइट। और
सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr² फॉर्मूला है और हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 mr², करेक्ट। तो और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद में एक रेक्टेंगुलर प्लेट और क्यूबॉइड का फॉर्मूला आप याद रखना। रेक्टेंगुलर प्लेट का फॉर्मूला है I=m/12 l² + b² राइट। और इसका भी यही फॉर्मूला होगा डेफिनेटली। ये दोनों का फॉर्मूला सेम इसलिए है क्योंकि अगर आप इसके शीट्स बनाओ परपेंडिकुलर टू एक्सिस तो बनेंगे, तो अगर आप इसको चॉपिंग करो कटिंग करो ऐसे तो मिलेगा तो आपको ये रेक्टेंगुलर प्लेट जैसा ही कुछ राइट। तो दोनों की फॉर्मूला सेम होगी। हाँ, अगर आप एक्सिस चेंज करो तो डेफिनेटली आंसर्स भी चेंज होंगे अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद में आपको सिलेंडर का अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस फॉर्मूला याद रखना है, लाइक अबाउट दिस एक्सिस। तो अगर सॉलिड सिलेंडर है तो ml² / 12 + r² / 4। देखो ये सॉलिड सिलेंडर का है और ये हॉलो सिलेंडर का है, ये भी फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। फिर आपको और एक फॉर्मूला याद रखना है ऑफ अ एन्यूलर डिस्क जिसका इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है। अगर ऐसा सिचुएशन है, मतलब ये इनर वाले पार्ट का रेडियस r1 है, आउटर वाले पार्ट का रेडियस r2 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा m/2 r1² + r2² थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देखते हैं और टॉर्क का भी फॉर्मूला देखेंगे। पहले टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू r×f। टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर बार। देखो आप ध्यान से देखना, ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है वो आर बार है राइट, और ये एफ बार है। और अगर आप आर बार को एक्सटेंड करो तो आर बार और एफ बार के बीच में एंगल फाई है करेक्ट। तो अगर आप मैग्नीट्यूड लिखो टॉर्क का तो टाउ इज इक्वल टू rf sin φ। हम जानते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड rf sin φ होता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, टॉर्क इज इक्वल टू, आप ऐसा याद रखना ज़्यादा काम आएगा आपको, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। अब ये देखो, ये आपका लाइन ऑफ फोर्स है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से कितनी है, डी राइट। तो आप एफ इंटू डी लिख सकते हो और डी वही होगा r sin φ/trigonometry राइट। तो आपको फॉर्मूला ये फॉर्मेट में भी याद रखना चाहिए, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू fr sin φ। और एंगुलर मोमेंटम का भी यही चक्कर है, यही फॉर्मूला, l=r×p। और इसी तरह से आप p बस याद रखना, जैसे वहाँ पे f था वैसे यहाँ पे p आ गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी लाइन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो l का फॉर्मूला आएगा एंगुलर मोमेंटम का पार्टिकल के लिए mvr sin φ या rp sin φ। तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। वैसे तो देखो मैंने कोशिश की है कि सारे फॉर्मूलाज रोटेशनल मोशन चैप्टर के इंक्लूड हो जाएं इसमें राइट। तो अगर फिर भी अगर कुछ रह गया तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना राइट। तो आगे बढ़ते हैं। टॉर्क ड्यू टू अ कपल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला होगा। तो देखो ये दोनों फोर्सेस हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में आर है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा r×f पर मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस राइट। हम लोग वीडियो को थोड़ा छोटा ही करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको स्पीड में पढ़ा रहा हूँ राइट। तो आगे बढ़ते हैं, सम जनरल फॉर्मूलास। देखो ये ओमेगा इक्वल टू θ/t, ये फॉर्मूला सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं अगर ओमेगा कॉन्स्टेंट है। फिर और एक फॉर्मूला है ओमेगा एवरेज δ θ/δt, और एक फॉर्मूला है ओमेगा इंस्टेंटेनियस d θ/dt। तो ये फॉर्मूला आप सिर्फ तब यूज़ कर सकते हो अगर ओमेगा कांस्टेंट है। ये अगर एवरेज पूछा है तो वो लोग दो टाइम देंगे आपको, दो टाइम और उस टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज निकालना है, और ये इंस्टेंटेनियस मतलब एक ही टाइम पे निकालना है राइट। और सेम अल्फ़ा के लिए भी होगा ऐसे, अल्फ़ा एवरेज और अल्फ़ा इंस्टेंटेनियस राइट। अल्फ़ा इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वाला फॉर्मूला तब यूज़ करना जब अल्फ़ा कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरिएबल है राइट, फिफ्थ वाला। अब और आगे बढ़ते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम याद रखना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैन बी यूज्ड ओनली फॉर बॉडीज विच आर इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेन या शीट जैसे बॉडी, जैसे कि रिंग है, डिस्क है या प्लेट जैसा कोई बॉडी है, तो ही आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता क्या है, देखो IZ इज इक्वल टू IX + IY, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन एंड ऑल द थ्री शुड बी मीटिंग एट वन पॉइंट। अब ये थ्योरम वेरम आप पहले से जानते हो, आप बस फॉर्मूला याद रखना IZ इज इक्वल टू IX + IY।
तो मैंने जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलाज बताए वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज थे। लाइक मैंने आपको पढ़ाया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रिंग एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। अब समझो वो लोग ने टेंजेंट पूछ लिया या वो लोग ने अबाउट डायमीटर पूछ लिया, तो उसके लिए या तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम यूज़ करोगे या पैरेलल एक्सिस, राइट? तो आप पैरेलल एक्सिस थियरम भी देख लेते हैं। पैरेलल एक्सिस थियरम बहुत सिंपल है, बस याद रखना कि पैरेलल एक्सिस थियरम यूज़ करने के लिए एक एक्सिस को सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, जैसे ये आईसी है। तो किसी भी और एक्सिस पे अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आयो, तो आयो इज इक्वल टू आईसी प्लस एम ए स्क्वेयर, वेयर एम इज़ द टोटल मास ऑफ द बॉडी। ये याद रखना फॉर्मूला, राइट? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो आप देख सकते हो डायग्राम में ये आदमी ने अपने हाथ आउटस्ट्रेच किए हुए हैं, तो इसका स्पीड लेट अस से ओमेगा वन है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन है। जैसे ही वो अपने हाथ को पास में ले लेगा सेकेंड डायग्राम में, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगी तो ओमेगा बढ़ जाएगा, राइट? क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है कि इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ बॉडी, देन द एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल, दैट इज एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, या आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। तो इस पर भी बहुत सारे सम्स आते हैं। डेफिनेटली मैंने सिर्फ आई वन ओमेगा वन लिया है, बट एक्चुअली दो तीन बॉडीज़ भी एक साथ हो सकते हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना चाहिए, राइट? अब और आगे बढ़ते हैं। सी रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन क्या होता है? रोलिंग मोशन में बॉडी रोटेट भी हो रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, जैसे कि हमारे व्हील्स, व्हील्स ऑफ व्हीकल, वो गोल भी घूमते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन होता है लीनियर और रोटेशनल मोशन का। समझो अगर सिर्फ लीनियर मोशन होता तो क्या होता? तो कुछ ऐसा होता। लीनियर मतलब ये घूम नहीं रहा है, सिर्फ आगे जा रहा है, तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? वी। और अगर घूमेगा तो क्या होगा? तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी वी होगी अगर अपने जगह पे ही घुमा। ये रोटेशन है, रोटेशन मतलब ये सी फिक्स्ड है, सी आगे नहीं जा रहा है ये पॉइंट, और ये अपने जगह पे ऐसे गोल घूम रहा है, तो हर एक पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी वी होगी। अगर इन दोनों को सुपर इम्पोज किया जाए, मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को आप कंबाइन करोगे, तो जो मोशन बनेगा उसको बोलते हैं रोलिंग। जैसे हमारी कार, हमारी कार जब आगे जाती है, राइट, तो व्हील्स गोल भी घूमते हैं और आगे भी, आगे की तरफ भी जाते हैं। सो रोलिंग मोशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल बोथ। मतलब आप इस वाले व्हील को इस पर उठा के रख दो तो ऊपर वाले पॉइंट का वेलोसिटी 2v हो जाएगा, इस वाले का वेलोसिटी √2v हो जाएगा, इस ए वाले पॉइंट का 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बाकी सब बॉडीज़ की वेलोसिटी देख सकते हो। और मैं आपको और एक बात बता देता हूँ, आपके सिलेबस में रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग है, और रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग है तो आप याद रखना कि वी, ये वाला जो वी है, ये जो ट्रांसलेशनल वाला वी है और ये रोटेशन वाला वी, ये वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आप लिख सकते हो ऐसे। इट इज़ अप्लीकेबल ओनली वेन इट इज़ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, और आपके सिलेबस में रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ही, आप टेंशन मत लेना, राइट? तो आप याद रखना इस वी को आर ओमेगा भी लिखा जा सकता है। अब क्या होता है कि देखो, जब बॉडी रोल हो रहा है तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी के ई रोटेशनल प्लस के ई ट्रांसलेशनल, राइट? तो फाइनल आंसर आएगा के ई रोटेशनल प्लस के ई ट्रांसलेशनल का हाफ हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और आप इस फॉर्मूला को आगे ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू वॉट? हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर इन द ब्रैकेट वन प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, वन प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर। और ऑफ कोर्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे सिलेबस में रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। तो लेट अस से दैट ये एक प्लेन है और ये एंगल इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, और इसकी हाइट को मैं एच मान लेता हूँ, राइट? और अगर मैंने यहाँ से एक बॉडी को रोल करवाया, फॉर एग्जांपल इट इज़ जस्ट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो जब ये समझो पॉइंट बी है, जब वो पॉइंट ए पे पहुँचेगा, लोएस्ट पॉइंट पे, तो आपको याद रखना है उसकी वेलोसिटी क्या होगी और थ्रू आउट इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मैं आपको फॉर्मूलाज लिख देता हूँ, सो आपको याद करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जी साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ, आई एम सो सॉरी, जी साइन थीटा। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और आप इसको और एक फॉर्मेट में याद रखना, जी साइन थीटा
अपॉन वन प्लस, देखो ये एक्चुअली इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर हो जाएगा m k स्क्वायर बाय m r स्क्वायर, और m k स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i, तो i बाय m r स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। सिमिलरली वेलोसिटी एट बॉटम, जब वो नीचे आएगा तब तक उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ बॉटम का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। सो वेलोसिटी एट बॉटम इज इक्वल टू, तो ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, अब वेलोसिटी एट बॉटम देखते क्या होगा, रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस, या तो आप k स्क्वायर बाय r स्क्वायर लिख लेना या i बाय mr स्क्वायर। i बाय mr स्क्वायर लिखने से फ़ायदा क्या होगा, आपको i का फॉर्मूला तो डायरेक्टली याद है ना सब बॉडीज़ के। अच्छा, और टाइम टेकन टू रीच द बॉटम, याद रखना t मतलब टाइम टेकन टू रीच द बॉटम का फॉर्मूला है, t इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा इंटू रूट ऑफ 2h बाय g इन द ब्रैकेट 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। फिर एक बार याद दिला देता हूँ मैं आपको, आप k स्क्वायर बाय r स्क्वायर को जब चाहो तब i बाय mr स्क्वायर लिख सकते हो, राइट? सो दिस इज़ व्हाट यू कैन राइट ऑलवेज। अच्छा, और एक बात बता देता हूँ, देखो अगर एक अगर तीन चार बॉडीज़ हैं जिनको एक साथ छोड़ दिया इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कौन जल्दी नीचे पहुँचेगा। याद रखना द बॉडी विथ स्मॉलेस्ट एम आई, द बॉडी विथ स्मॉलेस्ट मतलब जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा, द बॉडी विथ स्मॉलेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रीच द बॉटम फर्स्ट। ये आप याद रख लेना, जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा वो सबसे पहले नीचे पहुंचेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थोड़े और फॉर्मूलाज देखते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल स्फेरिकल शेल, मतलब ये एक स्फेरिकल शेल है जिसका कुछ ना कुछ थिकनेस है, तो इसका इनर रेडियस आर वन है और आउटर रेडियस आर टू है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू द डायमीटर इज गिवन बाय 2/5m ब्रैकेट में आर टू रेज टू 5 माइनस आर वन रेज टू 5 अपॉन आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब, राइट? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बिकॉज गवर्नमेंट बुक में डायरेक्टली आपको याद रखने के लिए कहा गया है ये फॉर्मूला, तो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट इज अ सॉलिड कोन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड राइट सर्क्यूलर कोन अबाउट सेंट्रल एक्सिस इज गिवन एज आई इज इक्वल टू 3/10 mr², और अगर हॉलो कोन होगा तो आई इज इक्वल टू mr² बाय 2 डिस्क जैसे, राइट? सो दैट्स ऑल यू need to know.